हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ कंसेप्ट। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी परीक्षा में सफल होने का राज। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। इससे पहले आप एक मोटिवेशनल क्विट सुनिए। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इससे पहले दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैथ क्या है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आप जब तक कंसेप्ट नहीं लगाइएगा, आप कोई भी कंपटीशन में इतना आसानी से क्रैक नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे कि आप लोग बेसिक कैसे पढ़ते हैं और हम लोग इसे कंसेप्ट में कैसे बदलेंगे। चलिए वो देखिए, मान लीजिए दिया है प्रश्न दोस्तों, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करेगा। इसको आप देखिए, पहले आप इसको बनाते थे, ए लिखते थे, ए इसी किसी काम को 10 दिन में तो 10 लिखते थे यहाँ, बी उसी काम को 20 दिनों में तो यहाँ 20 लिखते थे। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेंगे यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क लिखते थे, टोटल वर्क। इसके बाद इसका इफिशियंसी यानी कि क्षमता निकालते थे, तो क्षमता ये निकालिए और दोनों का क्षमता क्या करेंगे, बोला है दोनों मिल करके कितना दिनों में करेगा, तो दोनों का क्षमता जोड़ के यहाँ 6 कर देते थे और टोटल वर्क में यानी कि 40 में 6 से भाग आप दे देते थे, यही आपका आंसर हो जाता था। तो 6 6 का 36 पूर्णांक 4/6 दिन हमारा आंसर होता था। इसको आप काटिए, 2 से 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 पूर्णांक 2/3 दिन आंसर हो जाएगा। और देखिए आप इसको कंसेप्ट में कैसे बनाइएगा। कंसेप्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, ए और बी को गुना कर दीजिए, यानी कि ए गुने बी बटे ए प्लस बी। अब यहाँ क्या कीजिए, ए गुने बी क्या है 10 गुने 20 बटे, ए बी क्या है 10 प्लस 20। अब इसको कीजिए 10 गुने 20 बटे 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिए, आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब क्या हो गया, 10 गुना 20 बटे 3। अब इसको भाग दीजिए, कितना हो गया 36 18 2/3 दिन, यही हमारा आंसर होता था। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको मात्र कितना लगेगा, 2 से 3 सेकंड लगेगा, लेकिन इसमें आप कितना भी कम कीजिएगा तो आपको 5-6 सेकंड लग जाएगा। आई होप दोस्तों आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट कैसे कीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आप कैसे बनाइएगा। मान लीजिए दिए गए ए तथा बी किसी काम को 10 दिनों में, तो आप कैसे बनाते थे पहले, ए और बी दोनों मिल करके 10 दिनों में, ए अकेला उसी काम को, ए अकेला कितने दिनों में करता है तो 15 दिनों में करता है। अब क्या करते थे आप लोग, इसका दोनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम क्या हो जाएगा 30, और क्या करते थे यहाँ 3 इसका क्षमता और इसका क्षमता 2, इतना करते थे। उसके बाद पता नहीं है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा, बी का क्षमता आप यहाँ से निकालते थे कि भाई बी, तो क्या करते थे ए बी में से ए घटा लेंगे तो बी हमारा निकल जाएगा, यानी कि बी का क्षमता हमारा 3 में से 2 गया, 1 आ जाता था। उसके बाद टोटल वर्क जो है हमारा, टोटल वर्क में हम भाग देते हैं, टोटल वर्क में बी अकेला तो बी से भाग देंगे जो हमारा 30 दिन आंसर हो जाता था। लेकिन हम लोग इसे कंसेप्ट में देखिए कैसे बना सकते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड में आपको कुछ नहीं करना होता है। ए बी, तो ए बी गुने ए दिया है तो ए लिख दीजिए यहाँ, फिर क्या कीजिए ए माइनस ए बी कर लीजिए, देखिए ए बी कितना दिया है 10, तो 10 लिखिए गुने ए कितना दिया है 15, तो आप 15 लिखिए। अब क्या कीजिए, ए कितना है 15 माइनस ए बी कितना है 10, घटा लीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 गुने 15 बटे 10 में से 15 में 10 गया 5, यहाँ 2 से 5 गुना 10 यानी कि 15 गुना 30 दिन। देखिए आप कितना सिंपल से आप इसको बना पा रहे हैं और इसको आप कितना लेंदी से बना पा रहे हैं। आई होप इसको आप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
आप मोटिवेट कीजिए हमको भी भाई लाइक करके कि आपको हम और भी ऐसा वीडियो बनाएं ताकि आपका कोई भी कंपटीशन अच्छे से क्रैक हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।